टीम मेंबर है हाँ। उसका नाम गुरु है, ठीक है भाई। उसने हमारे लिए साइकिल का अरेंज कराया, तो हम तीनों धांसु, मुनीम और चक्रू, हम तीनों से थैंक यू बोलना चाहेंगे भाई। थैंक यू। ये थोड़ी अपनी यही है ना। Nearer, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no. कौन हो? लोग जनता जानती है तुमको, समझे? तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें जनता जानती है। वेलकम बैक टू अवर चैनल उम्दा बंदे साइकिलिंग क्लब। तो आज हम एक फन राइड करने जा रहे हैं। सैटरडे है, वीक ऑफ है, तो सोचा थोड़ा घूम के आते हैं और फिटनेस बनी रहेगी। डेली वैसे हम साइकिलिंग करते हैं, पास थोड़ा लंबा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। दो दिन का टूर है मेरा, दिल्ली की जो सबसे ज़्यादा हवा ख़राब है आज के दिन। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करें तो साइकिलिंग के प्रति समर्पित हो और एटलीस्ट नेचर जो एनवायरनमेंट को सुधारने में हमारा साथ दे। कंटिन्यूस चलना है। अगर यहाँ दिक्कत लग रही है लग रहा है सर, अगर सर क्वेश्चन सुसू लगे तो तब तो वो आप कहोगे कि मतलब कंटिन्यू चलना, तो ऐसा कोई थोड़ी मतलब तो रुकना, वो अलग बात है, ठीक है। ब्रेक की अलग बात है, पानी ड्रिंक्स ब्रेक बीच में करते रहेंगे, पर ये नहीं कि हाँ हर 10 मिनट में मेरा ये हो गया। सर मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अब मतलब ब्रीफिंग सुन तो लो। अच्छा ब्रीफिंग हो रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और एक चीज तो सबसे मिलती है ग्रुप में चलते हैं, एक चीज देखनी है कि अगर आप अच्छे साइकिलिस्ट हो तो आपको पीछे देखते रहना कि बंदे आपके साथ है। यही कर रहा है, तेज नहीं भागना, हॉर्न है, घंटी है सबके पास, ठीक है। तो बजा के बता देना कि हाँ एक प्रॉब्लम है, तो हम रुकेंगे और फिर देखेंगे सॉर्ट आउट करें क्या प्रॉब्लम है। लेन मतलब क्या, हमें क्या हमेशा लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में रहना बिल्कुल, ठीक है। कोशिश करनी है और बीच में आने की कोशिश नहीं करनी है बिल्कुल। आपको एक ही पेस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। यानी कि आपको आपका जो गियर जो शिफ्टर है वो आपका स्टार्टिंग में 2x7 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको धीरे करके आप इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। सेकेंड रूल नंबर पे रोड सेफ्टी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी धीरे चल रही है, ओवरटेक के लिए इसके साइड में रखनी है। अगर चल लग रहा है कि भैया गाड़ी थोड़ा स्पीड में है तो उसके इस साइड में रखनी है, लेफ्ट साइड में, पर उसको बीच में नहीं रखनी है। बीच में रखने से क्या होता है कि आपको ना गाड़ी के उस पार नहीं दिखाई देता है रोड सेफ्टी का, कि अगर आप बीच रास्ते में कोई भी एक फ्लाईओवर आता है उसको जब भी आप जब आप इंक्लाइन करेंगे तो इंक्लाइन करते वक्त आपको जब भी मुड़ना हो तो अपना हाथ देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप बिना हाथ देके मतलब लेफ्ट हैंड शो करते हुए नहीं करते हैं तो कुछ भी हो सकता है कि हाथ सर पूरा दे लंबा दे छोटा दे कैसे कुछ भी आपको कृपया करके अपद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अरे सर जैसे मैं तीसरी चीज चौथी चीज ये है जब आप डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। डिक्लाइन करते वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, डिक्लाइन करते वक्त जब रोड का फ्लाईओवर का एंड होता है तो वहाँ से आपको ना एकदम से अपना टर्न नहीं लेना है, ठीक है। पहले थोड़ा तेज स्ट्रेट चलना है, पीछे देखना है। अगर आपको लग रहा है कि पीछे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही, उसके बाद आप साइड में होना है धीरे धीरे, ठीक है। तो सुन ली इन सब बकवास आदमी की बात, बात मेरी है जनमन बंदा जो जनमन बात करता है। हंस के मत दिखाओ पीछे से, हाँ जलील नहीं बोल रहा, मैं ऐसे नहीं बोलेगा। तो बात ऐसी है भाई, अभी इंडिया गेट पे है, आज का टूर बता ही दिया इन सब लोगों ने आपको, ब्रीफिंग कर दी है सुबह की, टिप्स बता दिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम अपना आज का सफर शुरू करते हैं। तो मैं हूं कौन? कौन हो? लोग जनता जानती है तुमको, समझे? तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें जनता जानती है। ये हमारे साथ मुनीम, मुनीम हमारे ग्रुप के। अब इन्हें मुनीम क्यों कहा जाता है इसके लिए मैं इन्हें बाद में बताएंगे। ये ज्वाइन हुए हमारे ग्रुप में मतलब बहुत पहले से है, लेकिन इन्हें हॉलीडे कम मिल पाते हैं। हाँ, कम मिल पाते इसलिए मैं हमारे रहता भी नहीं हूँ। धरती पर नहीं रहते क्या? अरे मैं दिल्ली से बाहर, अच्छा सॉरी दिल्ली से बाहर रहता है, वैसे धरती पर रहते हैं हमारे साथ में, लेकिन ऑफिस से बहुत कम छुट्टियां मिल पाती हैं उसकी वजह से ये लोग हमारे साथ में बहुत कम दिख पाते हैं। और इन फ्यूचर में इनका रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में रहे। सुबह हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि आपको रोड के लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, एक लेन में चलना है, साथ ही में आपको आपके आगे वाले राइडर से कम 2 या 3 मीटर की दूरी बना के रखनी है। अगर आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो लंबी राइड, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और अपनी राइड को एक हेल्दी और सेफ्टी राइड बनाने की ओर ज़रूर ध्यान दें। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with us? Bande ki shakal dekh lijiye aap. Ye hamesha punoti karta hai, hamare group ka sabse bada punoti. एक तो लेट आया फिर कार्ड करवाया। इधर देखना ना, इधर ये इससे अलग है ना, ये चिपक गया इधर पूरा। अरे यार तू तो
क्या देख रहे हो? घुमाई पर फोटो ले रहा फोटो। कभी क्या, कभी जूस, कभी क्या, दिमाग खराब कर रखा मेरा यार। यार मूड खराब कर दिया सारी ट्रिप का तूने यार। यहाँ रुको, वहाँ रुको, यहाँ रुको, 10 बार रुकवा दिया तूने। बहाना देगा, बहाना देख। नहीं दीपक भाई सुन, बोलिए मत, तो कुछ सुनता रहा सब तू। बस भाई अब देख, तू अब देख, अब मैं तेरा बोल रहा नहीं भाई। दीपक भाई कुछ बोलिए मत भाई, तू मैं सब तू देख दू तुम। बात ऐसी है कि ये बंदा, इस बंदे ने ऐसे कहा मेरे से कि एक भी ब्रेक नहीं लेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, मैं बाहर तो सेट करूंगा। ना हर 30 किलोमीटर ब्रेक बोला था, याद होते हैं ब्रीफिंग में। तूने 100 किलोमीटर ब्रेक बोला था। साले का रैपर दूंगा पानी वाले को। अब भाई इसने ना बार बार रुक रहा है ये, और अपने आपको प्रो राइडर बोलता था, बार बार रुक रहा है, अभी तक 10 बार रुक चुका है। बोल रहा मेरी हालत खराब है, हालत खराब है। रियल वीडियो बना, ठीक कुछ हुआ कुछ तो दिखाया कुछ वीडियो में, ठीक है। लेकिन अब तो हो रहा है ना, अब तो मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं बदल गया हूँ ना, अब मैं हकीकत दिखा रहा हूँ ना मैं। तो इसकी एक बार शक्ल देख लो तुम, इसकी चेहरा पसंद, अपना चेहरा दिखाई, चेहरा दिखा। मेरी बात सुन, इसको अब अपनी गलती नहीं मानेगा, गलती नहीं मानेगा। पलवल क्रॉस करेगा, पानी पानी है, ये पानी पियो भाई। तो अभी तक ट्रिप में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हमारे साथ, और वो भाई एक नमूने की वजह से आई है, धासू जो हमारा कैमरामैन भी है। तो क्या हुआ, ये रोड पर चलते हुए पहले चक्रू ने मजाक किया, तो चक्रू अपने आप को कंट्रोल कर पाया, बट धासू ने भी सेम मजाक करने की कोशिश करी। तो वहाँ क्या हुआ कि जो हैंडल बार था धासू की साइकिल का, वो चक्रू के पीछे वाले टायर में फंस गया था, जिसकी वजह से एकदम साइकिल ब्लॉक हो गई। तो हम वहाँ रुक के फिर थोड़ा हमने चक्रू की साइकिल ठीक किया, और फिर हम आगे से प्रोसीड किया, उसको लगाई भाई को, तो थोड़ा भाई खाना खाएगा, उसके बाद हम चलेंगे। और ये चक्रू आया बड़ी, जिसे भी भूख लगती रहती है, पहले खा पी लेते हैं कुछ, फिर आराम से चलेंगे। और मेरी भी पहली लॉन्ग राइड है अपने भाइयों के साथ, काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट आज अमेजिंग, मज़ा आ गया। मैं गलत जगह बैठा हूँ ना, मेरा हेलमेट कहाँ है? ए साले मारूंगा रे, हेलमेट कहाँ है मेरे से? भी मजाक नहीं कर रहा तेरा हेलमेट, मैं बताता हूँ, पहले खाना खा ले, उसके बाद बताऊँगा तुम्हें। ये मैंने पहन रखा है क्या? अबे यार ये इंसान जो है गंगोर चूती है, हांडी में चिपट गए हम। सुबह से कुछ खाया नहीं था और अब हम निकल पड़े हैं फिर से। तो चक्रू थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है, वो पहले ही पहुंच गया रोड पर, देखे जाए दिखा सकते हैं, अब गुस्से में दिख रहा है बहुत। तो अभी हमें भी ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए और हम निकलते हैं। ट्रेन जा रही है, आई होप कि भी आपको दिख रही होगी। देखी नहीं, तूने देखी ट्रेन कभी? बुलेट ट्रेन देखी है तूने कभी जिंदगी में? दुरंतो एक्सप्रेस नहीं? अच्छा, तू ट्रेन का पिछवाड़ा देख के बता देगा तू? अब दुरंतो इसका कलर साला, मैं ट्रेनों में तो घूमता करता क्या हूं। अच्छा टीटी हो गया तुम, सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था ये टीटी है, सॉरी। मतलब होता रहता कभी यार, नहीं पता रहता बंदे को, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी सर। ये बच चुके हैं और हम लोगों ने 123 किलोमीटर कर लिया, थोड़ी इजी राइड है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इस बंदे की हालत मुझे लगता है कि बिल्कुल खराब नहीं है। हमसे ये देखो, हमसे 1 किलोमीटर पीछे रहता है ये बंदा, ये देखो, और ये बकवास कर रहा है, ठीक है। ये चीफ गेस्ट हमारे, जिनकी चाह हो चुकी है पर इनके बस की बात नहीं, अब चलने आगा यार। इसको बोला रियल वीडियो बना कर, क्या मैं, तो मैं रियल, अब इसमें क्या रियल डालूं, क्या रियल बना, गला काट के रखूंगा अपना मैं। मतलब ना अगर हम ना कुछ ढंग से डिसिप्लिन नहीं करते, कुछ होता है हमारी, देखो मैं बताता हूँ, कुछ तो हमारी वजह से होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं दूसरों की तरफ वजह से भी। मान लो जैसे कि अभी हम रोड पे, अभी हम रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे आपने देखा कि वहाँ पर उल्टे रॉन्ग साइड बंदे चला रहे हैं, ठीक है, अब रॉन्ग साइड आप निकालने की कोशिश कर रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी भी आ जाए, ठीक है, अब साइकिल की इतनी स्पीड नहीं रहती कि आप एकदम भगा के ले जाओ, ठीक है, ठीक है, आप पीछे से आ गए तो ये खतरा हो गया। और एक खतरा ये हो गया कि मान लो एक गाड़ी खड़ी हुई है, आपको लगा कि इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है, और जब कोई भी नहीं बैठा हुआ आप उसकी साइड से निकाल के एकदम से गेट खोल दिया,
और आपने अगर हल्की सी इधर से कोशिश करी निकालने की तो पीछे गाड़ी आ रही है, और अगर आपने नहीं कोशिश करी तो उसमें आप ठुक जाओगे। ये सेम काम बाइकर के साथ भी तो हो सकता है ना। देखो बाइकर में स्पीड होती है, ठीक है, अगर वो पीछे से एक साइड से बची जाएगा वो रेस दे देगा, पीछे से आएगी तो उसकी रेस मैच कर लेगा, आगे निकल जाएगा। पर साइकिलिस्टों के लिए खतरा होता है ना। ये देखो ना साइकिल चलाते वक्त कोई भी मतलब ऐसी नॉर्मली उठपटांग जो पार्क में करते हैं ऐसे मतलब बैठे हैं, यहाँ अगर गिर गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। गिर गया तो जान का नहीं, देखो जान तो मतलब इतनी वो नहीं है, ठीक है, जान बच जाएंगे, साइकिल इतना है वो नहीं है कि एकदम आपकी जान भी ले लेगा। अरे भैया कम चांसेस है अगर पीछे ट्रक आ रहा हो तो थोड़ी है। मान लो कि अगर आपको कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, अगर यूपी साइड अगर ऐसी इस तरह के जो बबूल के पेड़ होते हैं ना, तो अगर आप यूपी साइड में हो तो इन बबूलों के पेड़ों के अंदर की साइड आपको लग रहा है कि बड़ा मजा आएगा, कभी गलती से मत चलेगा ना। तेंदुआ यहाँ पे नहीं, तेंदुआ नहीं, कोई जानवर आपको नहीं मिलेगा, बंदूक वाले मिलेंगे। यार कहाँ जा रहा है, इनके अंदर क्यों रहेंगे बंदूक वाले भाई, नहीं पे रहते हैं क्यों? अति आत्मविश्वास में नहीं आना है। आत्मविश्वास अच्छी बात होती है, पर जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें आप चले जाते हो तो आप एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो जो आप दिखावे के चक्कर में बहुत से गलत स्टेप उठा रहे थे, बहुत से गलत चीज उठा रहे थे, दिखावा नहीं करना। तो सेम चीज जो हुई है वो हमारे इस भाई के साथ हुई है। क्या? तो जैसे मुझे थोड़ा क्या हो गया इतना नहीं पता, पर मैं थोड़ा क्या हो गया फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। फिजिकल किसके साथ? थोड़ा मुझे इतना है कि भाई आगे जाने वाले जब लॉन्ग राइड में जाना किस तरह क्या हो गया भाई, कितनी हालत खराब है, पानी खत्म हो, उसकी शक्ल ऐसे बन गई लाल हो गई। अच्छा, अरे पानी मैं तो मर जाऊंगा, मेरे को टंकी चाहिए भाई, पानी किसको नहीं चाहिए। फिर मैंने बोला अरे मैंने संतरे खरीदा, अरे भाई थैंक यू यार, अरे भाई थैंक यू यार, संतरे लाया, संतरे गुड यार, संतरे खत्म हो गया, बोलता है अरे संतरे और दे यार, संतरे और दे। तो इस तरह की हालत तो भाई, और मैंने से कहा था, मेरे को था जीवन में मैंने से कहा था कि भाई एक समय ऐसा, तेरे को संतरे नहीं चाहिए, एक समय ऐसा आएगा जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी खत्म हो गए, अभी भाई हालत खराब, क्योंकि वो पानी की विटामिन सी होता, पानी की जो ये इतना सारा हमारे जो चेहरे से नमक निकल रहा है उसकी पूर्ति करता है, तो वो अति आवश्यक है। अभी धूप भी धीरे बढ़ रही है, बीमारी है जो नमक निकल रहा है, हमारे तो नहीं निकल रहा आवश्यक है, क्योंकि तो आपके अंदर चर्बी इतनी है, वर्कआउट करते नहीं हो, आप एक कमजोर दिल के प्राणी हो, आपकी फटी रहती है दिल्ली से यहाँ पे, एक एक किलोमीटर दूर रहा है तो क्या, चलो मेरी गलती की वजह से चक्रू साइकिल में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से चलते हम टाइम से वृंदावन पहुँच गए हैं, लेकिन अभी साइकिल बहुत दिक्कत कर रही है। तो अपनी साइकिल रिपेयर की, ठीक की, और आगे हमने किस तरह से अपने नाइट के लिए रूम फाइंड आउट किया, कितना टाइम लगा, और रात को हमने क्या क्या मज़े किए, ये सब आप लोगों के लिए अगली वीडियो में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए उन बंदों के साथ, क्योंकि अगली वीडियो और भी मज़ेदार आने